आज का व्लॉग शुरू होता है जी आइसक्रीम खाते हुए बच्चों से, और मैंने एक मिनट के लिए कैमरा पकड़ने के लिए इनको अपनी आइसक्रीम दी और इन्होंने आधी खा ली। बट खैर, यहाँ पे शुरू हो जाता है अगला दिन। बच्चों का कर दूंगी जी लंच बॉक्स, जिसमें मैंने आलू का समोसा डाला था, नान खटाई बनाई थी जो घर में बनी हुई है वो डाल दी थी, कुकम्बर डाल दिए थे, फ्राई डाल दिए थे। लंच बॉक्स हो जाएगा रेडी। नाश्ते के फौरन बाद ये ले आए थे जी मंडी से साग, तो आज साझे हमने बनाना साग। इनके वर्क फ्रॉम होम होने का मैंने फ़ायदा उठाया, मैं इनको जो साग था वो साफ करके पकड़ाती गई, साग पालक मेथी और धनिया, और इन्होंने सब कुछ कटिंग कर दिया। साथ साथ मैं वॉश करती जा रही थी और जो बड़ा बर्तन था ना उसमें डालती जा रही थी, क्योंकि वॉश करने के लिए भी आपको 2 से 3 दफ़ा पानी को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर जी खैर से साथ साथ मैंने मिर्चें थी ना वो भी क्रश कर ली थी, मिर्चें डाल दूँगी। मैंने इसमें डाला था जी साग पालक मेथी धनिया, तो जी सब को गला लिया था, गला के मैंने 2 मुट्ठी आटा डाला था और इसको इस तरह हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया था। और यहाँ पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसको साग बनाते हुए अपनी अम्मी या अपनी सास या अपनी दादी में वगैरह ज़रूर याद आती हैं, क्योंकि हमें ये जो रेसिपी है ना ये बुज़ुर्गों की ही याद दिलाती है ना। तो जी खैर, यहाँ पर साग को लगा देंगे तड़का, उसके बाद सबको खाना खिलाने के बाद यह है मेरी रोटी की बारी। मैं इस पर देसी घी लगा लूँगी, ये भी घर का बना बना। साथ ही जी अपने बेटे की यूनिफॉर्म को कर दूँगी टाइट, क्योंकि जी ये खासा इसमें तो मेरे 2 माविया जैसे बच्चे पूरे आ जाएँ। और आज हम लोगों ने बनाया था बच्चों का योमे कटिंग डे, तीनों बच्चों की एक साथ कटिंग करवा दी थी। यहाँ पर ख़त्म होता है मेरा आज का व्लॉग। डिटेल व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर विजिट करें। अल्लाह हाफिज़।